सर मेरा क्वेश्चन ये है कि खुश कैसे रहें, मतलब आज के सुबह मैं 4:30 बजे से खुश हूँ कि मुझे यहाँ पर आना है, हैप्पी सारे काम हम करके आ रही हूँ, पर डेली लाइफ में क्या है, शादी से पहले भी शादी के बाद भी अपना उठे, कभी पढ़ाई कर ली, घर के काम कर लिए, फिर ये काम, फिर ये काम, रात तक काम कर लिए, नौकरी कर ली, आ गए सो गए, अपने लिए टाइम भी निकाल पाते सर, अपने शरीर को, अपना खाना पीना, अपना लंच, अपना ब्रेकफास्ट। और दूसरी चीज़, लाइफ में ऐसे लोग हैं, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, जिनका काम है 24 घंटे का भी निकालना, ये नहीं करा, वो नहीं करा, ऐसे नहीं करा, तेरे अंदर ये नहीं, तेरे अंदर वो नहीं। मैंने सेशंस भी सुन लिया आपके भी, और ये सब आप कैमरे में बोलना चाहते हैं, ये सारी बात? कोई बात नहीं सर, मतलब सब कुछ कर लिया, कमा लिया, दमा लिया, काम भी कर लिया, रोट भी कमा ली, सब कुछ कर लिया, खुशी नहीं आ रही, आज खुश हुई हूँ जाके, साल 6 महीने बाद, हैप्पी हैप्पी। मैं समझ गया, टॉपिक बड़ा अच्छा है, खुश रहना है। हाँ, कि खुश कैसे रहे, बस क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि इंस्टेंटली अभी इसी मोमेंट में हम खुश रह सके? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक मिनट। हाँ, आप कह रहे हो पॉजिटिव सोचो, तो ये तो पता है, बट कितने हैं जो एक्चुअल में 24 घंटे पॉजिटिव सोचते रहते हैं? नेगेटिव थॉट ज्यादा आते हैं या पॉजिटिव ज्यादा आते हैं? और एक बार उस नेगेटिव थॉट्स की साइकिल में हम फंस जाते हैं तो वहां से बाहर निकलना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो द क्वेश्चन इज कि कैसे उस नेगेटिव थॉट्स की साइकिल से हम इमीडिएटली बाहर निकल सके, प्लस जब बाहर निकले तो वो टेम्पररी ना हो, वो सस्टेन भी हो सके। कि कभी कुछ नेगेटिव आया भी तो आया और गया, अभी उल्टा होता है। नहीं, नेगेटिव बना ही रहता है, पॉजिटिव थोड़ी देर के लिए कहीं से मेरा कोई सेशन देखा या कहीं से किसी की कोई बातें सुनी, कुछ किया, थोड़ी देर के लिए एकदम से पॉजिटिव हो गया, फिर वापस से वहीं के पहुंच गए, ऐसा ही होता है। सो द पॉइंट इज कि कैसे हम इंस्टेंटली वहां से बाहर आए और प्लस उस स्टेट को हम सस्टेन भी कर पाए, क्या ऐसा कोई रास्ता है? सर आप ही के सेशन से सीखा था, खुशी दो खुशी मिलेगी। तो अगर आपको किसी भी मोमेंट में खुश रहना है तो आपको सब कुछ निकाल के खुशी बांटनी है। अगर आप जितना आप खुशी बांटोगे उतना आप खुश रहोगे। पर खुशी देने के लिए या किसी को कुछ देने के लिए पहले जेब में होना तो चाहिए। यस सर। आपकी जेब में पैसा होगा तभी तो दोगे। यस सर। थ्योरेटिकली तो हम दे सकते हैं, तो अब बात है कि वो हमारे अंदर खुशी कहाँ से आए, वो क्वेश्चन। सर आई थिंक दैट हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम कंटेंटमेंट। इफ आई एम सैटिस्फाइड विद द लाइफ दैट आई एम हैविंग, आई थिंक आई वुड बी हैप्पी। एंड आई थिंक सैटिस्फैक्शन आती है व्हेन आई स्टार्ट थिंकिंग कि द लाइफ दैट आई एम लिविंग इज स्टिल अ ड्रीम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। आई थिंक सैटिस्फैक्शन इज वन थिंग दैट कैन कीप यू हैप्पी। सिर्फ यही एक तरीका है खुश रहने का और कोई दूसरा तरीका नहीं। There is no other way to be happy. The only way is contentment. कि अगर हम satisfied हैं जो हमारे पास है उससे तो हम खुश हैं। Satisfaction को ही तो खुशी बोलते हैं, कहीं pleasure को तो खुशी नहीं समझ रहे हैं। Pleasures जितने भी हैं जो हमारे senses के थ्रू हमको मिलते हैं, क्या वो खुशी है? मजा तो है उसमें, क्या उसमें खुशी होती है? खाते चले जाओ, खाते चले जाओ, खाते चले जाओ, बड़ा मजा आता है उसमें, तो क्या ये खुशी है? या उसके बाद में दुख होता है कि मैंने सोचा था कि नहीं इस बार ओवर ईटिंग नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, लेकिन फिर पागल हो गया देखते ही। तो प्लेजर और खुशी में पहले हमको फर्क समझना है। खुशी मतलब क्या, कि एक ऐसी स्टेट जो बनी ही रहे। इन अदर वर्ड्स, खुश रहने का सिर्फ एक तरीका है, वो तरीका क्या है? अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड इन आर हार्ट, अ फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस दिल में, ऊपर ऊपर से बोलने के लिए नहीं, दिखाने के लिए, एक्चुअल में यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड, योर माइंड विल बी रिलैक्स्ड इमीडिएटली, इंस्टेंटली। माइंड की प्रॉब्लम पता है क्या है, कि अगर आपकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट भी हो रहा है, लेकिन अगर एक कहीं पर कोई गलत थॉट आ जाए, सिर्फ एक, ये क्या हो गया, उसके बाद क्या होता है? ये बात आप देख पा रहे हो? yes, अपनी लाइफ से रिलेट करना, अपने माइंड से रिलेट करना। जो आप चाहते थे वो सब हो गया, वैसा ही हुआ जैसा आप चाहते थे 5 साल पहले 10 साल पहले, सब कुछ हो गया है, लेकिन कहीं कुछ गलत हो रहा है, माइंड वहीं पर अटका पड़ा है। जो हजारों लाखों चीजें सही हो रही है वहां पर हमारा ध्यान नहीं है, माइंड की यही प्रॉब्लम है। बाय डिफॉल्ट हम सबका माइंड, सिर्फ आपका माइंड या मेरा, सबका माइंड बाय डिफॉल्ट ऐसे ही काम करता है। कुछ गड़बड़ हो जाती है, किसी से थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, वही बात दिमाग में घूमती रहती है कई दिनों तक, ऐसा होता है नहीं होता? उसने कुछ सही कह दिया, वो घूमता है क्या? नहीं। सुना थोड़ी देर के लिए अच्छा लगा, फिर भूल भाल गए। गलत कह दिया तो वो बात कई लोगों को तो महीनों तक, सालों तक भी पता नहीं कब तक याद रहती है, मरते दम मर रहे हैं, जा रहे हैं, वो तुम ना मुझे वो क्यों कहा था, अरे बुढ़ी जा रही है तू, जा शांति से। ये माइंड की प्रॉब्लम है, पहले हमको प्रॉब्लम को समझना है तभी तुम सोल्यूशन निकाल पाएंगे ना। डू यू गाइस वांट कि इसमें हम थोड़ा सा डीप में चल करके देखें या बस ऊपर ऊपर लेवल पे बात करके खत्म करें? क्योंकि बात तो समझ आ गई, हाँ कंटेनमेंट, हाँ ठीक है, तो हमको पता था इसमें नया क्या है।